मेरे परिवारजनों, हमारे यहां कहा जाता है उपार्जितानाम वित्तानाम त्याग एव ही संरक्षणम्, अर्थात हमारी सफलता का, हमारे कमाए धन का सबसे प्रभावी संरक्षण त्याग से ही होता है। अरविंद भाई ने इस विचार को मिशन बनाकर आजीवन काम किया। आज आपके ग्रुप के द्वारा श्री सद्गुरु सेवा ट्रस्ट, मफतलाल फाउंडेशन, रघुवीर मंदिर ट्रस्ट, श्री रामदास हनुमान जी ट्रस्ट जैसी कितनी संस्थाएं काम कर रही है, जे जे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन, चारुतर आरोग्य मंडल जैसे समूह और संस्थान सेवा के अनुष्ठान को आगे बढ़ा रहे हैं। आप देखिए, रघुवीर मंदिर अन्न क्षेत्र में लाखों लोगों की अन्न सेवा, लाखों संतों को यहाँ मासिक राशन किट की व्यवस्था, गुरुकुल में हजारों बच्चों की शिक्षा दीक्षा, जानकी कुंड के चिकित्सालय में लाखों मरीजों का इलाज, ये कोई सामान्य प्रयास नहीं है। ये अपने आप में भारत की उस आत्मशक्ति का सबूत है जो हमें निष्काम कर्म की ऊर्जा देती है, जो सेवा को ही साधना मानकर सिद्धि के अनुपम अनुष्ठान करती है। आपके ट्रस्ट द्वारा यहां ग्रामीण महिलाओं को ग्रामीण उद्योग की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। ये वुमेन लेड डेवलपमेंट के देश के प्रयासों को गति देने में मदद कर रहा है। साथियों, मुझे जानकर खुशी होती है कि सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय आज देश दुनिया के बेहतर आई हॉस्पिटल्स में अपनी जगह बना चुका है। कभी ये अस्पताल केवल 12 बेड़ों के साथ शुरू हुआ, आज यहां हर साल करीब 15 लाख रोगियों का इलाज होता है। सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय के कामों से मैं इसलिए भी विशेष रूप से परिचित हूं क्योंकि इसका लाभ मेरी काशी को भी मिला है। काशी में आपके द्वारा चलाए जा रहे स्वस्थ दृष्टि समृद्ध काशी अभियान, इससे कितने ही बुजुर्गों की सेवा हो रही है। सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय द्वारा अब तक बनारस और उसके आसपास के करीब 6.5 लाख लोगों की डोर टू डोर स्क्रीनिंग हुई है। 90,000 से ज्यादा मरीजों को स्क्रीनिंग के बाद कैंप के लिए रिफर भी किया गया। बड़ी संख्या में मरीजों की सर्जरी भी हुई है। कुछ समय पहले मुझे इस अभियान के लाभार्थियों से काशी में मिलने का भी अवसर मिला था। मैं मेरी काशी के उन सभी लोगों की तरफ से ट्रस्ट और सद्गुरु नेत्र चिकित्सा और सभी डॉक्टर और उनके साथियों का, आज जब आपके बीच आया हूं, मैं विशेष रूप से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं।